किसी को भी बुलाए, आप आ जाओ, जिस किसी को भी बुलाए आप भी आ जाओ। मैं माइक इनको देना है या फिर अभी आप बात करना चाहते हैं? मैं आप तो सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड, 1 मिनट इनको कुछ बताना चाहता हूं। ओके, ट्रेनिंग दे दी इनको बकायदा, सिर्फ 30 सेकंड की खेल है ये। क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? 4 दिन की जरूरत नहीं। क्या एक्टिविटी कर सकती हैं आप? जो रिया ने करा वो सब कर सकते हैं आप। इनके हाथ में कुछ भी दीजिए, बता देंगे इनके हाथ में क्या है, उसका रंग क्या है, वो क्या चीज है। आप किसी को यहाँ खड़ा कर दीजिए, जो व्हाटएवर, लेट्स डू समथिंग। जरा कॉटन ले आइएगा, फिर कॉटन लाएंगे। कॉटन आपके उसके अंदर है मेरे ख्याल? कॉटन ठीक से लगाते हैं ना, दूसरा कॉटन हां चेंज हो जाएगा ना, यूज कर लिए। इधर मेरे पास ले आइए जरा। और इसके बाद मैं विनम्रता पूर्वक जितेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा। एक सेकंड, तुषार आप जो जितेंद्र जी से बात करना चाहते कीजिएगा, लेकिन मैं सबसे पहले तुम दोनों से बात करना चाहता हूँ। मिडब्रेन एक्टिविटी के बारे में कभी सुना था? जी नहीं सर। सुना था कभी? किया है? कभी नहीं सर। तो जो तुषार ने समझाया या कुछ कहा वो समझ में आ गया है? हाँ वो समझ आ गया। अच्छा, कुछ लग रहा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर अब तुम्हारे अंदर आ गया है? नहीं। अच्छा ले आओ फिर। तो मैं सबसे पहले किसको देखूं कि आपकी? जिसको भी आप, किसी को भी आप, शुरुआत किसी से भी कर सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अंशिका। अंशिका, पहले कॉटन, जिस प्रकार मैं तो चाहता हूँ अगर रिया या रिया जी लगाना चाहे। यस यस, क्योंकि जब हमने उनको लगाया नहीं सर। रिया 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 इनको कॉटन लगाने के लिए? नहीं नहीं, रिया आप बैठिए ना, आप बैठिए ना जी। रिया रिया बेटा, अगर आप लगाएंगे तो आप करके भी दिखाएंगे जी बकायदा। ठीक है, तो फिर मैं लगाऊंगा। नहीं नहीं कोई नहीं है, आप रहने दीजिए ना। अगर जितेंद्र जी लगाना चाहते हैं तो फिर नहीं, तुषार नो इशू, कोई बात नहीं, वो रिया करेगी। लगाऊंगा सिर्फ आंखें, अपने हाथों से ढक लूंगा। अभी उन्होंने चैलेंज वैसे भी एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा है कि मैं एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगा। नहीं नहीं, यही चीज करके दिखाए ना, अगर वो सिखाते इतनी डंके की चोट पर। तो पहले इनको मैं सभी को बता दूं, सभी जनता को जो इस दर्शकगण देख रहे हैं, एक मैजिशियन का कोर्स करने से आसानी से आ सकते हैं ऊपर करूं, पर आप कृपया मिड ब्रेन एक्टिवेशन के चंगुल में ना फंसे। टाइट बांधिए, कस के बांधिए, कान पे बांधिए, कोई बात नहीं, कान के ऊपर, कान निकाल लीजिए आप, कान निकाल लीजिए, कान निकाल लीजिए। रिया कॉटन ऊपर हो गया, ये लूज है, काफी लूज है, काफी लूज है, इसको अच्छे से टाइट कीजिए। रिया टाइट करो ना। ओके, अब ये कलर बकर, आपको कहीं से कहीं तक कुछ दिख तो नहीं रहा है अंशिका? ओके, तो सर अपनी जेब में से कोई चीज निकाल कर इन्हें देना चाहेंगे? मैम आप आएंगे क्या? अंशिका कुछ भी दे दो आप, ये रिकॉग्नाइज कर, आप बताएंगे ये क्या है और इसमें कलर्स कौन सी है? इनको माइक चाहिए होगा सर। हाँ, यहाँ से येलो है और यहाँ से ये रेड है, यहाँ से ये रेड है, 30 सेकंड की खेल, यहाँ से भी रेड है ये। 30 सेकंड अच्छा। में मैंने इनकी तीसरी आंख जगा दी, 30 सेकंड में। हाँ एक बार चेक कीजिए ना, लिखा क्या है वो भी बता देंगी, और तीसरी आंख जागृत कर दी। अगर मैं ये बोलूं तो मैं सबसे बड़ा स्कैमर हूंगा, तो अगर कोई ये बोल रहा है कि तीसरी आंख जगा दी तो कितना बड़ा स्कैम कर रहा है 50-50 हज़ार रुपए लेकर। यहाँ कुछ एस लेटर लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, क्या चेक करें सर? बिल्कुल, कोशिश करें, कोशिश करें अंशिका अपनी अंतरात्मा से। मैं तुषार, हाँ कुछ और भी, टी सी सी भी है, आई हाँ हाँ, के तो फिलहाल नहीं आ रहा, एक बार फिर से टच करें, कोई बात नहीं, आराम से कोशिश करें, आप ऑलमोस्ट 99% सही जा रही हैं। 30 सेकंड के अंदर इतना बोलना बहुत बड़ी बात है। ऐसा करते हैं आप जितेंद्र जी की जेब में से कुछ निकाल के दे दीजिए इन्हें। जितेंद्र जी की जेब में से कोई नोट निकाल के दे दीजिए, है कुछ, कुछ भी, कुछ भी, हाँ जी है कुछ, आपके पास कुछ रखते नहीं है वो? हाँ जी बच्चे, बेटा आपकी जेबों में कुछ है? वो कुछ रखते नहीं है साहब, बैंक में रहता है उनका सब कुछ। ये कलर बताओ, इसके कलर क्या है? इसका कलर यहाँ से और यहाँ से ब्लू है। अच्छा मैडम, आप इनमें से कोई भी एक नोट उनको दे सकती हैं, कोई भी एक नोट जो आपकी चौक, मैं अपने हाथ से नहीं देना चाहता कि नहीं तो आप। अच्छा, इनके साथ जो फ्रेंड्स हैं जो आप लोग देखते हैं, क्या ये ऐसे ही इनके पास टैलेंट था क्या? तो यार ताली तो इनके लिए बजा दो यार, ये देखो 30 सेकंड में तुम्हारी फ्रेंड अब जो है आंख बंद करके पढ़ भी ले रही है, कलर भी बता रही है। रिया प्लीज अपनी जगह पे आ जाओ, प्लीज अपनी जगह पे आ जाओ, बैठ जाओ अपनी जगह पे। कितने की नोट है और क्या कलर है? ये 100 रुपए का नोट है और इसका कलर ब्लू है। Very nice, बहुत बढ़िया। क्या कंसंट्रेट करके अंशिका आप ये बता सकते हैं कि इसका नंबर क्या है?
कोशिश करके, ये लीजिए हाथ में पकड़िए, कोई भी 6 डिजिट होते हैं हर नोट में, फील कर रहे हैं, सो सूंघ के भी बता सकते हैं अगर आप स्मेल करके बताना चाहें। नंबर मेरे को, कोशिश करें, मेरे को पता है 30 सेकंड में आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। 7 और 3 है लास्ट में। राइट राइट ओके, तालियां बजा सकते हैं आप सब अभी। अंशिका अभी आप घर जाके ट्यूशन क्लासेस देना शुरू कर दो। नहीं 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 डॉक्टर कैरल, तो सरप्राइज होने वाली बात है कि नहीं 30 सेकंड में? ये इनके लिए सरप्राइज होंगे, बट ये डेफिनेटली ये साइकोलॉजिकल गेम है। और साइकोलॉजिकल गेम है, यानी मिडाई को जो अंधविश्वास कहा जा रहा था। बिल्कुल, मैं आऊंगा थोड़ा सा, ये बैठिए डॉक्टर। अब मैं आई इनका ओपन कर दे रहा हूँ। जैसा आपकी इच्छा हो, जैसा आप। ठीक है, एक बार जरा हेल्प करना इसको। हाँ हाँ ये लो।